हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो हैप्पी मकर संक्रांति आप सब लोगों को, और हैप्पी उत्तरायण। और आज सब, जैसे आज आपने देखा होगा टॉपिक, कि आज का हमारा टॉपिक है संगत। जो जिमरन साहब को आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि आप जिन पांच लोगों के साथ आप रहते हो, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उनके जैसे आप ना चाहते हो भी बन जाते। तो अगर इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में इफेक्ट करता है वो पाँच लोग जिनके साथ हम रहते, तो हमें वो अच्छे लोग हमारे लाइफ में होने चाहिए। और वो हम आज चेक करते हैं कि वो क्या आपके इस लाइफ में, वो जो पांच लोगों के साथ आप रहते हो, वो आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है, और वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसके मैंने आपको थोड़ा मैं टिप्स देता हूँ। तो सबसे पहले, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, अगर उनकी बात ग्रुप में आप जो रहते हो, पाँच लोगों जिसका आपका ग्रुप है, अगर उनकी बातें सुन के आपको बड़े सपने देखने की इच्छा होती है, उनकी बातें सुन के आपको वो बड़ा विजन देखने की इच्छा होती है, और उनकी बातें सुन के अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, तो एक राइट ग्रुप में आप उसको आप कंटिन्यू कर सकते। लेकिन अगर आप गलत ग्रुप में हो तो कैसे पता चलेगा? तो अगर आपका जो भी पांच लोगों का ग्रुप है, उनकी बातें सुन के आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि कंफर्टेबल आप रह के लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करोगे। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनकी आपको बातें सुनकर आपको अच्छा लगता है, उनकी आपको बातें सुनकर उनकी कंफर्टेबल आपको फील हो रहा है, तो एक गलत ग्रुप में आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्यों करना पड़ेगा चेंज? क्योंकि आप खाने में आपको जहर मिल जाएगा ना, तो उसका तो इलाज है, लेकिन अगर आपके कान में जहर चला गया ना लोगों की बातें सुन के, तो उसका आप मेरे पास कोई इलाज नहीं है। उसके लिए हमारे लोग अच्छे लोगों के साथ संगत होनी चाहिए। और अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे पास तो अच्छे लोग है ही नहीं, कहाँ से ढूंढे हम, हमारे तो ऐसी जगह पर हमारे दोस्त अच्छे नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? आप यूट्यूब पर जा सकते हो, अच्छे से लोगों को सुन सकते हो, या तो आप बुक्स, अच्छे लोगों की उनकी बुक्स आप पढ़ सकते हो, जिसकी वजह से आप आपकी लाइफ में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक पानी को भी आप दूध के साथ रखोगे ना, तो वो दूध के भाव बिकेगा। तो आपकी पहचान आप किन लोगों के साथ रहते हो उससे होती है। तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के सुनिए, और लोगों की गॉसिपिंग मत कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी की बुराई, अगर आप सक्सेसफुल लोगों की बुराई करते हैं, तो उसका मतलब है उसकी आपकी बुराई नहीं करें, उस इंसान की बुराई आप नहीं करें, सक्सेस की बुराई करें। और वो सक्सेस की अगर आप बुराई करोगे, तो वो आपके पास कभी नहीं आएगी। सो बस मेरा आपका इतना ही कहना है, अच्छे लोगों के साथ रहिए, आपकी संगत चेक कीजिए। क्योंकि आज अभी जहाँ पे भी आप हो, वो आप पांच आपके पांच फ्रेंड की वजह से ही हो, और अगर आप उससे खुश नहीं हो, तो आने वाले पांच अगर आप शानदार बनाना चाहते हैं, तो वो आपको पांच लोगों को चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आप आने वाला पाँच साल शानदार बना सकते। सो बस इतना ही कहना है, थैंक यू सो मच। और वो आप चेक कीजिए, आप आपकी लाइफ में पांच फ्रेंड्स है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। उनको अच्छे लोग वो होने चाहिए, आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ होने चाहिए। बस थैंक यू सो मच गाइस।